नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह एक फ्रेश वीडियो होगा जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे सामान्य ज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान कह ले, जीएस कह ले, उनसे स्पेशल वीडियो यह निकल के आता है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से भी, विज्ञान के बैकग्राउंड से आ रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे तथ्य के बारे में जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित होगा और महत्वपूर्ण तथ्य होगा। क्या आप जानते हैं कि आप फोटोक्रोमिक चश्मा पहनते हैं उसमें कौन से तत्व से बना होता है? आप जानते हैं डायनामाइट किससे बनता है? विस्फोटक पदार्थ किसे कहते हैं? पटाखा आप जलाते हैं उसमें कौन सा पदार्थ यूज किया हुआ रहता है? इन सभी जानकारी को देखेंगे और कई ऐसे तत्व को देखेंगे, कई ऐसे फैक्ट को देखेंगे जो आपको बेहद ही रोचक लगेगा और महत्वपूर्ण भी लगेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा अच्छी जानकारी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा। यह इस वीडियो का पहला पार्ट होगा, इससे संबंधित नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़िए और पहला आपके स्क्रीन पे दिखेगा पुरातत्व अवशेषों अथवा पॉलिस की आयु, फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C4 का उपयोग किया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरातत्व आवेश हो, जैसे बहुत सारे पुराने पदार्थ हो, बहुत सारे पुराने थिंग्स यानी चीजों को उम्र जानने के लिए हमें C4 का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्किन पे मिट्टी के क्षारकत्व, मतलब मिट्टी में क्षारकत्व को घटने के लिए, मतलब घटाने के लिए, कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेलकॉम पाउडर में थियोफॉस्फेट खनिज का उपयोग किया जाता है। टेलकम पाउडर में थियोफेसेट खनिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, जिसको गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस बात को आप जानेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किया जाता था। आप जानते होंगे कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि ऊपर में ऐसे उड़ाया जाता है, ऊपर में जैसे रंग के जैसे उड़ते रहता है, वो क्या रहता है, किस चीज को रहता है, ये फॉस्फीन गैस रहता है, ध्यान रखेंगे। समुद्री यात्री जब भुला जाता है अपनी रास्ता को तो वह अपनी लोकेशन को बताने के लिए इस गैस का उपयोग करते हैं, गैस छोड़ता है तो वायुमंडल में वह रंगीन दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। दिया सलाई, सुरक्षित दिया सलाई बनाने में लाल फॉस्फेरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने क्लोरीन गैस फूल के रंग को उड़ा देता है, जब फूल के रंग है उस पर अगर आप क्लोरीन गैस छोड़ देंगे तो उसका रंग उड़ जाएगा। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का उपयोग किया जाता है। आप लोग परफ्यूम, डिओडोरेंट ये सब इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन से गैस रहता है? एथिल एसीटेट गैस रहता है, ध्यान रखेंगे। बर्तनों को कलई करने में अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बर्तन आए दिन देखिएगा काला काला रहता है, रंग बिरंग का रहता है, ठीक है, उन सभी को देखिएगा उसमें कौन सा चीज का उपयोग करने के उपयोग करके उसका रंग बनाया गया रहता है, यह अमोनिया क्लोराइड का उपयोग करके। नेक्स्ट है सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है क्योंकि वह ज्वलनशील अधिक होता है। मिट्टी तेल में सोडियम को डुबा करके रखा जाता है। पीले फॉस्फेरस को जल में रखा जाता है, पीले फॉस्फेरस को जल में डुबा करके रखा जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे का प्रयोगशाला में बनाया गया था। यूरिया एक पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे क्या तो प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से बनाया गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, एसिटिलीन का उपयोग या फिर प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड, जैसे आप देखते होंगे कट जाता है तो लाल लाल टाइप का एक चीज होता है, उसको क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वो चीज इस्तेमाल किया जाता है जिससे रक्त जल्दी रुक जाता है। डिटॉल को इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है कि जल्दी रुक जाता है, उसमें क्या रहता है फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ये चीज ये तत्व निहित होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है
आतिशबाजी में हरा रंग बोरियम मूलक के कारण होता है, बेरियम के कारण होता है, बेरियम मूलक के कारण जो हरा रंग ऊपर में जब आप छोड़ते हैं वो हरा रंग बनता है बेरियम मूलक के कारण, ध्यान रखेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त होने वाले सिलेंडरों में आप देखते होंगे कि ये ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में देखते होंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर, नहीं, उसमें ऑक्सीजन और हेलियम दोनों मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, बेहद इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट है आपके साथ सौर सेलो में सीजियम का उपयोग किया जाता है। सौर सेलो में किस चीज का उपयोग किया जाता है? सीजियम एक सेमीकंडक्टर धातु है, इसका उपयोग किया जाता है, सीजियम का धातु का उपयोग किया जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। पुराने तैल चित्रों को रंगों में को पुनः उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे पुराने पिक्चर जब तेल में डूब जाता है तो उसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मिलाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए जो हिमांक जम जाता है जल्दी, उसका जो पानी होता है उसको रेडिएटर में पानी रहता है, आप जो लोग जानते हैं कार बहुत सारे वाहन में, उसको कम करने के लिए उसमें एथिल ग्लाइकोल को मिलाया जाता है जो कि उसे जमने में रोकता है, जमने को कम करता है, जमने की जो प्रक्रिया होता है उसे कम करता है। अगला है आपका शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर के पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज में उपयोग किए जाने वाले ईंधन को बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व ओस्मियम OS है, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक घनत्व वाला और सबसे भारी तत्व ओस्मियम है, सबसे कम घनत्व वाला, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व लिथियम है, ध्यान रखेंगे। Li इसका सूत्र होता है, Li इसका सिंबल होता है। ओस्मियम सबसे भारी है और सबसे प्रबल अपचायक, और लिथियम अपचायक तत्व क्या है तो लिथियम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सबसे प्रबल उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग क्या है तो फ्लोरीन है, सबसे प्रबल उपचायक क्या है ऑक्सीडाइजिंग यानी फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत प्रचालकता वाला तत्व क्या है, चांदी है, एजी से इसे सूचित किया जाता है। सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला अधातु जिसे बोलते हैं वो ग्रेफाइट है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है सूक्ष्म सेल बैटरी में, निपो के बैटरी में, ध्यान रखेंगे, पेंसिल में, ये सबसे अधिक चालकता वाला अधातु होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आपके स्किन पे गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व रेडॉन है, रेडॉन सबसे भारी तत्व के रूप में गैस के रूप में यह अवस्थित है हमारे वायुमंडल में, ध्यान रखेंगे, रेडॉन बोलते हैं इसे। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलिनियम PO से सूचित किया जाता है, जिसके 27 समस्थानिक हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन को कहा जाता है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन को कहा जाता है, जिसे F से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रेनेसियम देख सकते हैं, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रेनेसियम है, ध्यान रखेंगे। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्या है, क्लोरीन है। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन को कहा जाता है, भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, एस्टेरीन है, एस्टेरीन सबसे भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है, वायुमंडल भूपरत अलग अलग है, ध्यान रखेंगे बात को, ट्विस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा को कहते हैं।
शुद्ध सेलुलोज से कागज बनता है, ध्यान रखेंगे शुद्ध सेलुलोज से कागज बनता है, कागज बनाने वाली तत्व सेलुलोज, शुद्ध सेलुलोज को कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ध्यान रखेंगे इसको बेहद बार पूछा गया है। चाय तथा कॉफी में कैफीन नामक प्यूरीन पाया जाता है, कैफीन नामक प्यूरीन किस चीज में पाया जाता है, चाय तथा कॉफी में पाया जाता है, जो नींद आने को रोकता है, नींद आने से रोकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे दूध में कैसीन, दूध में कैसीन नामक फॉस्फोप्रोटीन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कैसीन नामक फॉस्फोप्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नींबू तथा ग्रेपफ्रूट में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू तथा ग्रेपफ्रूट में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे सीधे सीधे नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहां से ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब चींटी किसी खाद्य पदार्थ, लिक्विड खाद्य पदार्थ में अगर मिल जाए तो उसमें आप समझ लीजिए कि उसमें फॉर्मिक अम्ल भी मिल रहा है, इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज को, उसको खाने से बचेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, वनस्पति घी का निर्माण H2O गैस के प्रयुक्त किया जाता है, H2 मतलब वनस्पति घी के निर्माण में H2O गैस का प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और सबसे अधिक पदार्थ जैसे रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान रखेंगे। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल पर तैरती है, सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल पर तैरती है। अगर वीडियो अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा, प्लीज लाइक करिएगा। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन CO+H2 यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O यानी हाइड्रोजन का उपयोग होता है, ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ना कि मीथेन होता है, मीथेन भी एक इसी का होता है, लेकिन मुख्य तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस प्रभाव को, प्रभाव से रिलेटेड, ध्यान रखेंगे। क्वार्टज प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, क्वार्टज प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, आयोडीन एक प्रबल जीवाणु पदार्थ है, आयोडीन एक प्रबल जीवाणु पदार्थ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का उपयोग पाइरीन के निर्माण, पाइरीन के नाम से आग बुझाने के संयंत्र में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का उपयोग पाइरीन के नाम से जाना जाता है, जो आग बुझाने के संयंत्र में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है, ध्यान रखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। डीडीटी का छिड़काव, ध्यान रखेंगे डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, जिसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखेंगे। यह एक कीटाणुनाशक दवा होता है। एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल ज्वरनाशी पदार्थ है, एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल का जब आप दवा खाते हैं ज्वरनाशी यानी बुखार को कम करने वाला, ध्यान रखेंगे। पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो कवक से प्राप्त होता है, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो इससे तो कवक से प्राप्त किया जाता है। क्लोरो में फेनिकोल का प्रभावी प्रतिजैविक है, जिसका व्यापारिक नाम क्लोरोमाइटिसिन है, इसका उपयोग टाइफाइड ज्वर डायरिया तथा पेचिस में किया जाता है। क्लोरोमाइटोसिटिसिन का उपयोग टाइफाइड ज्वर डायरिया पेचिस में किया जाता है। बेरिक देख सकते हैं, बोरिक अम्ल तथा पोटासियम परमैंगनेट पूर्ति देख सकते हैं, पूर्ति रोधी देख सकते हैं,
प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक पदार्थ है, बोरिक अम्ल तथा पोटासियम परमैंगनेट। आप देख सकते हैं बोरो प्लस में ये आपको मिल जाएगा, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, एंटीसेप्टिक चीज होता है जिसे आप किसी भी जले कटे पर लगा सकते हैं आप, ठीक है, उसमें आसानी होती है। यहाँ देख सकते हैं पोटासियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग विस्फोटों के निर्माण में किया जाता है। पोटासियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है, विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है, पटाखा अक्सर उसी से बनता है KNO3 को उपयोग करके। पॉलीथीन का थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो एथिलीन का बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होने वाला पॉलीथीन है जो कि थर्मोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे साधारण कांच में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और लेड के सिलिकेट होते हैं। साधारण कांच जो बनता है वह उसमें देख सकते सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और लेड के साथ सिलिकेट होते हैं। यदि इसके बनाते समय सिल्वर क्लोराइड, ध्यान रखेंगे जब आप फोटोक्रोमिक चश्मा को पहनते हैं आप जानते होइएगा उसमें सिल्वर क्लोराइड नाम से तत्व मिलाया जाता है उस कांच के शीशे में, तब जाके वह कांच बन जाता है फोटोक्रोमिक और वह स्वतः धूप में जाने से रंग बदल लेता है। ध्यान रखेंगे टूथपेस्ट में कैल्शियम फॉस्फेट CaO3PO4 का होल ट्वाइस का उपयोग किया जाता है, यानी टूथपेस्ट में कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। सीधे तौर पे धुआं वायु में कार्बन और अन्य कणों के कोलाइडी बिलियन के रूप में जाना जाता है, कोलाइडी बिलियन धुआं वायु में कार्बन और अन्य कणों के साथ रहता है इसीलिए इसे कोलाइडी बिलियन कहते हैं। ध्यान रखेंगे नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे जो कहता है बादल और कोहरा भी एक कोलाइडी बिलियन है और नाइक्रोम हीटर के क्वाइल बनाने में काम आता है, यानी नाइक्रोम का जो है तार हीटर और क्वाइल बनाने में काम आता है। इनवार घड़ियों में पेंडुलम बनाने में काम आता है, घड़ी में जो पेंडुलम होता है डोलते रहता है वह आपका इनवार से बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड तथा जेलिटिन की पतली पत्ती चढ़ी होती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड तथा जेलेटिन की पतली पत्ती परत चढ़ी होती है जिसके कारण फोटो क्लिक होता है, फोटो छपता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट ये आपको मेन तौर पे कैमरा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे हीलियम गैस हल्की होने के कारण वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, वायुयानों के टायर में भरी जाने वाली गैस हीलियम गैस होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट होता है आपके स्क्रीन पे कि हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों एवं दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पर उसे उपयोग किया जाता है। जब दम्मा के रोगी को दम फूलने लगता है तो उन्हें हीलियम तथा ऑक्सीजन गैस को प्रयुक्त करके उन्हें दिया जाता है और गोताखोर भी इसी गैस का उपयोग करते हैं और हीलियम ऑक्सीजन गैस का उपयोग आए दिन हॉस्पिटल में भी इसे ही किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो बिल्कुल ही आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को इसी प्रकार के वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।